हेलो, चलो इसको खत्म करते हैं आज, है ना। एग्रीकल्चर, उस टाइम पर एग्रीकल्चर कैसा था तो बता रहे हैं। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, ये इनका ऑक्यूपेशन था उस टाइम पर, है ना। द मेन क्रॉप वॉज राइस, इनकी जो मेन क्रॉप थी जो वो ग्रो करते थे वो थी राइस। वो क्या थी? राइस। की बात अदर क्रॉप्स की बात अगर करें तो वो क्या थे? कॉटन, रागी, सुगर केन, पेपर यानी मसाले, जिंजर, कार्डमम, टर्मरिक, सिनेमोन और काफी सारे फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें वो ग्रो करते थे, ये सारी चीज़ें वो कैसे से ग्रो करते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड कैनल फॉर इरीगेशन वर अंडरटेकन बाय द स्टेट। स्टेट के जो वो होते थे, क्या कहते हैं, चीफ बेसिकली, वो एम्बैंकमेंट्स बनाते थे, कैनल्स बनाते थे, इरीगेशन वहाँ पर हो सके, इरीगेशन वहाँ पर हो सके, यानी एक इरीगेशन सिस्टम की वो प्रॉपर मैनेजमेंट करते थे, है ना। चेरा कंट्री वॉज नोटेड फॉर इट्स जैकफ्रूट। ओहो, अगर हम चेरा डायनेस्टी किस वजह से फेमस थी? अपने जैकफ्रूट की वजह से, अपने पेपर की वजह से और अपने टर्मरिक की वजह से। इनका चोला कंट्री अ पीस ऑफ लैंड यील्डेड मच पहले। मतलब वो कहता है चोला कंट्री के टाइम पे तो एरिया कितना अच्छा था, यील्ड मतलब देना, एक लैंड से बहुत ज़्यादा पेड़ में निकलता था। पेड़ मतलब होता है एक तरह का, आपको क्रॉप ही समझ लो बेसिकली, क्रॉप नहीं होता ये, क्रॉप समझ लो बेसिकली, है ना। मैंने रूरल एक्टिविटीज लाइक द कल्टीवेशन ऑफ रागी एंड सुगर केन एंड द मेकिंग ऑफ गंगा केन एंड हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ ग्रेन आर डिस्क्राइब्ड इन द संगम पोर्शन डिटेल। वो कह रहे संगम पोर्शन सारी डिटेल्स, वो सारी सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। अदर ऑक्यूपेशन, अदर ऑक्यूपेशन नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के बाद देखें तो स्पिनिंग, वीविंग, वर मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड क्राफ्ट्स, है ना। स्पिनिंग और वीविंग दूसरी फेमस एक्टिविटी वहाँ उस टाइम की थी। स्पिनिंग एंड वीविंग रन की होती थी, रन की होती थी, शायद कभी कभी सिल्क की भी होती थी, है ना। और ये काफ़ी परफेक्ट तक पहुँच चुके थे। इनका जो काम करने का तरीका था वो काफ़ी अच्छा था उस टाइम पर। स्पिनिंग वॉज अ पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन वुमेन, लड़कियों का ये बेसिकली एक पार्ट टाइम पोजिशन था, जब फ्री होती थी पोजिशन था, जब फ्री होती थी तब वो ये काम करती थी, है ना। द वीविंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑन क्लोथ एंड सिल्क इज ऑफन मेंशन लिटरेचर एंड मिरर सेंटर वॉज अ मिरर सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड। अब वो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी अगर आपको बनाने हों तो ये काम भी किया जाता था। अब बेसिकली कॉटन के ट्रेड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था ओरेयूर में, ओरेयूर के जगह का नाम, तो वो मेजर सेंटर था कॉटन के। द पोएम्स मेंशन कॉटन क्लॉथ एज थिन एज द स्नेक और अ स्नेक और अ क्लाउड ऑफ स्टीम। बेसिकली वो कह रहे, इसमें लिखा हुआ है कि पोएम जो है
जो पोइम्स हैं वो बेसिकली क्लॉथ को ऐसे, वो कॉटन क्लॉथ को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि सांप की स्किन होती है ना बहुत पतली, इतना पतला क्लॉथ है ना, इतना पतला क्लॉथ, या फिर क्लाउड ऑफ स्टील, भाप जैसा पतला, भाप जैसा पतला नहीं, बताना चाह रही थी कॉटन जो होता था, कॉटन के क्लॉथ जो होते थे वो बहुत पतले होते थे। सो फाइनली वुवन दैट द आई कुड नॉट फॉलो द कोर्स ऑफ द थ्रेड, और इतने फाइन होते थे, इतने फाइन होते थे, इतने पतले होते थे कि आप अपनी आंखों से धागा कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, वो भी नहीं देख सकते। सीजर्स एंड नीडल्स वर नोन, सीजर्स और नीडल्स उस टाइम पर थी, इन एडिशन टू कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ मेड ऑफ वुड फाइबर, वुड फाइबर के भी थे वहाँ पर है ना, जो कि प्राइसली क्लास के लोग पहनते थे, यानी पढ़े लोग पहनते थे। डाइंग वॉज द बेस्ट टू वीविंग, बेस्ट टू वीविंग, ऐसे ही हमारे सपोर्टिव जो उसके साथ साथ चलता है, और डाइंग जो है, डाइंग जो एक ऐसी एक्टिविटी जो वीविंग के साथ साथ चलती थी, शिप बिल्डिंग, मेटल वर्किंग, मेटल वर्किंग, कारपेंटरी, रोप मेकिंग, ऑर्नामेंट मेकिंग, पेनिंग, मेकिंग ऑफ एवरी प्रोडक्ट्स, ये सारे काम वहाँ पर किए जाते थे उस टाइम पर। और जो कुछ है वो क्रेडिट रेट है, क्रेडिट उस टाइम के रेट के बारे में और जानना, और जानना है। The summer literature is full of details regarding the commercial activities of the people, वो कह रहा है संगम लिटरेचर में भरा हुआ है, संगम लिटरेचर भरा पड़ा है उन डिटेल्स के साथ। किन डिटेल्स के साथ है? लोगों के कमर्शियल एक्टिविटीज के डिटेल्स के साथ है ना, ट्रेड बोथ इंटरनल एंड फॉरेन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्रिस्कली कैरीड ऑन थ्रू आउट दिस पीरियड, वो कह रहा है चाहे इंटरनल ट्रेड की बात करो चाहे फॉरन ट्रेड की बात करो, दोनों के दोनों ट्रेड वेल ऑर्गेनाइज वो काफ़ी अच्छे से किया जाता था उस टाइम पर है ना। इंटरनल ट्रेड वॉज ब्रिस्को, कार्बन ऑफ मर्चेंट्स विद कार्स, ब्रिस्को मतलब पता है क्या होता है, लिखो अगर आपको नहीं पता था, या आप लोगों को फास्ट हो, नोट कर लिया। कारवा लिखो, कारवा, ये कैलावन से नहीं, कारवा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कारवा। लिखे कारवा, कारवा को आप लिख सकते हो टीम, कारवा मतलब टीम है ना, TEAM, टीम, टीम्स ऑफ मर्चेंट्स। वो कह रहे हैं इंटरनल ट्रेड था वो बहुत तेज था, टीम्स ऑफ मर्चेंट पर मर्चेंट्स विद कार्स एंड पैक एनिमल्स कैरिड देयर मर्चेंडाइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मर्चेंडाइज मतलब होता है सामान, तो ये लोग अपना सामान दर से दर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय बार्टर, सारे का सारा बेस वो मतलब मोस्टली जो उस टाइम पर जो ट्रेड होता था वो बार्टर बेसिस पर होता था, एक्सचेंज बेसिस यानी कि पैसों के बदले नहीं, एक्सचेंज बेसिस। पैडी जो एक तरह की क्रॉप मैंने आपको बताया था, पैडी कॉन्स्टिट्यूटेड द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्पेशली इन द रूरल एरियाज, सॉल्ट वॉज सोल्ड फॉर पैडी, सॉल्ट के बदले में पैडी ले लिया करते थे, पैडी वॉज सोल्ड बाय मेंशनिंग द प्राइस इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट, मतलब पैडी का प्राइस टर्म्स सॉल्ट के अकॉर्डिंग लगाया गया कि 1 kg पेड़ इजकल टू 2 kg सॉल्ट, कुछ ऐसा है ना। हनी एंड रूट्स पर एक्सचेंज फॉर फिश ऑयल, हनी और रूट्स ऑयल को, वो हनी और रूट्स को हम फिश ऑयल के बदले एक्सचेंज करते थे। फिश ऑयल के बदले देखो एस्टेब्लिश मार्केट्स कॉल्ड
अंगड़ी है ना, बिट इन द बिगर टाउन्स, मतलब एक मार्केट था, मार्केट को वो क्या नाम देते थे, अंगाड़ी अंगड़ी है ना, इन द बिगर टाउन, बड़े बड़े टाउन्स। एल्सवेयर हॉकर्स कैरीड गुड्स टू द हाउसेज ऑफ पीपल, और जगहों पर यानी छोटी छोटी जगहों पर हॉकर्स होते थे जो सामान को लोगों के घरों तक लेकर जाते थे। देर वॉज एन एक्सटेंसिव ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन के साथ बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। अकॉर्डिंग टू द संगम ब्रिटिश, द तमिल लैंड हैड सर्टेन कमोडिटीज विच वर इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन मार्केट। को कह रहे हैं संगम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग तमिलनाडु में कुछ ऐसे कमोडिटीज थी, कुछ ऐसे कमोडिटीज थी जिनकी फॉरेन में डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिनकी फॉरेन मार्केट्स में डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी, लाइक कौन कौन सी कमोडिटीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा थी, मसालों की, जिंजर की, कार्डमम की, सिनेमोन की, टर्मरिक की, इबरी प्रोडक्ट्स की, पल्स की, प्रेशस स्टोन्स की, इन चीज़ों की। द मेन इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड फर्स्ट गोल्ड एंड ग्लास, इम्पोर्ट मतलब मंगाना, दूसरी होती है इंटरनेशनल ट्रेड में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वाला हमारे यहाँ से बाहर भेजना, एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से बाहर भेजना, इम्पोर्ट मतलब अपने देश में बाहर से मंगाना। तो ये मंगाते थे बाहर से, क्या मंगाते थे, ये तमिलनाडु वाले लोग क्या मंगाते थे, हॉर्स बाहर से मंगाते थे, गोल्ड बाहर से मंगाते थे, ग्लास बाहर से मंगाते थे। द पोर्ट सिटीज वर द सेंटर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, बेसिकली जो फॉरेन ट्रेड होता था तो पोर्ट्स के थ्रू होता था, क्योंकि उस टाइम पर एरोप्लेन होते नहीं थे तो सारा काम शिप के थ्रू होता था। बिग शिप्स एंटर द पोर्ट ऑफ पोखर, ब्रिंगिंग इन प्रेशियस मर्चेंडाइज फ्रॉम ओवरसीज, द बिग शिप्स एंटर द पोर्ट ऑफ पोखर ब्रिंगिंग इन प्रेशियस मर्चेंडाइज फ्रॉम ओवरसीज, वहाँ से कभी सारा सामान आता था पोखर पोर्ट से है ना। द फैमिली ऑफ द रिच मर्चेंट्स लिव्ड ऑन द अपर फ्लोर, जो रिच मर्चेंट्स की फैमिली थी अपर फ्लोर पर रहती थी, वेयर द लोअर वंस वर सेट अपार्ट फॉर बिजनेस, लोअर छोटे लोगों को तो अलग ही, मतलब छोटे लोग अलग ही जगह रहते थे बिजनेस से है ना। सैल्यूट इन द पांड्या कंट्री एंड बंदर एंड चेरा आर काउंटेड अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द कंट्री, तो आपको ये पोर्ट्स याद रखने हैं, ये पूछे भी गए हैं कब से। एक पोखर पोर्ट था ठीक है, एक सैल्यूट पॉइंट पोर्ट है पांड्या के रूलर रूल के टाइम पे, एक बंदर है चेरा रूलर्स के टाइम पे ठीक है। पेरी प्लस ऑफ द रेड सी दैट डिस्क्राइब्स नेविगेशन एंड ट्रेड ऑफ द रोमन एम्पायर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। वो कह रहा है रेड सी ऑफ पेरी प्लस चीज है एक मैप बुक है तो कह रहा है जो मैप बुक है, ये जो मैप बुक है बेसिकली डिस्क्राइब करती है क्या चीज़, एक तो नेविगेशन, एक तो रास्ता एंड दूसरा ट्रेड ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का ट्रेड, रोमन के जो लोग होते हैं क्या ट्रेड करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उस एप पेरिप्लस से ठीक है। इंडिया और रोमन एम्पायर के उसमें क्या ट्रेड होता था, इट मेंशन द पोर्ट्स ऑफ नौरा, एक नौरा की बात होती है, नौरा की बात होती है, नौरा जिसको कन्नौर बोलते हैं, तिंदेस जिसको आज के टाइम पे पोनानी बोलते हैं, मजीरेस जिसको क्रेंगनौर बोलते हैं, एज अ लीडिंग इम्पोर्टेंस ऑन द वेस्ट कोस्ट, यानी एक फेमस पोर्ट उस टाइम पर माने जाते थे वेस्ट के हैं। द पेरिप्लस ऑल्सो मेंशंस, ये तो याद रखना, ये सब चीज़ें हमें चलती हैं। द पेरिप्लस ऑल्सो मेंशंस उरैयूर, इस पेरिप्लस के अंदर उरैयूर का भी जिक्र है। ऑल द पर्ल्स फ्रॉम द कोस्ट
ओवर सेंट टू रेडियो, उन सारे कोस्ट से जो पल्स होते थे वो रेडियो भेजे जाते थे एंड एक्सपोर्टेड, फिर उनको बाहर भेजा जाता था। इट नोट फर्दर दैट अ ग्रेट क्वान्टिटी ऑफ मसलिन वॉज मेड इन द रीजन ऑफ आंध्र। आंध्र प्रदेश के टाइम पे हम बहुत सारे किनारे थे मसलिन बनाते थे। मसलिन है ना, द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द तमिल लैंड इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द ट्रेड। माना अब ऐसा माना कि जाने लगा कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी हमारे यहाँ पर आ गए, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का भी चलन हमारे यहाँ पे आया। किसकी वजह से? फ्रॉम द रोमन एम्पायर। रोमन्स लोग यूज़ करते होंगे गोल्ड एंड सिल्वर, अब उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो लोग एक्सचेंज बेसिस पर तो काम करते नहीं होंगे, रुपीज के बेसिस पर काम करते होंगे, तो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स देना स्टार्ट कर दिया तमिल के अंदर, ठीक है, और इससे हमारा ट्रेड का एक्सटेंट और बढ़ा, ठीक है। इसके को सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेरे थोड़े छाले हो रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में। एक क्वेश्चन रह गया यार आप करना, ठीक है, बाकी आपको डाउट्स वगैरह सारे बाद में, मैं थोड़े छाले हो रहे हैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना।